अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ प्योरिटन पोइट्री और प्योरिटन्स पोइट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्योरिटन्स एक डिफरेंट एज है। इस एज को दो नाम डिफरेंट हैं उनसे भी पुकारा जाता है। आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्लेड है कि इसको जैकोबिन एंड कैरोलिन पीरियड भी बोला जाता है, जैकोबिन एंड कैरोलिन पोइट्री भी बोला जा रहा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा सिर्फ पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सिर्फ हमने प्यूरिटन्स पोइट्री में से दो पोइट्स को आज डिस्कस करने इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्यूरिटन्स जो थे वो कौन थे, कहाँ पे रहते थे। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि उस एज में उसको जैकोबिन और कैरोलिन क्यों बोला जाता है। फिर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैकोबिन और कैरोलिन पोइट्री लिखा हुआ है, जैकोबिन बोला जाता है जेम्स वन की वजह से, कैरोलिन भी बोला जाता है उनके जो लीडर हैं या आप ये कह सकते हैं उनके रूलर जो हैं उसकी वजह से बोला जाता है, चार्ल्स वन की वजह से। तो इसको देखते हैं, आगे तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस प्यूरिटन्स पोइट्री को तीन डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि प्यूरिटन्स पोइट्री जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, या प्यूरिटन्स एज की जो पोइट्री है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कूल ऑफ स्पेंसर में है। स्कूल ऑफ स्पेंसर क्या है? स्पेंसर जो पोइट था, आप लोगों ने डेफिनेटली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेंसर को गो थ्रू किया होगा। तो स्कूल ऑफ स्पेंसर से मुराद ये लिया जाता है, या फॉर इंस्टेंस आप ये कह सकते हैं, वो पोइट्स जो स्पेंसर को फॉलो किया करते थे, स्पेंसर पोइट को। सेकंड हमारे पास है पोइट्री ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, के मेटाफिजिकल की पोइट्री इसको कहा जाता है। थर्ड हमारे पास है पोइट्री ऑफ शेवलियर पोइट्स। आज जो हमने डिस्कस करना है वो स्पेंसरियन है, स्पेंसर को फॉलो करने वाले स्पेंसरियंस को। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, तो स्पेंसरियंस वो होता है जो स्पेंसर को फॉलो करने वाले थे। इनको स्कूल द स्कूल ऑफ स्पेंसर भी बोला जाता है, स्पेंसरियंस भी बोला जाता है। तो स्पेंसरियंस आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है पाइंस फ्लेचर, जो कि 1582 में पैदा हुआ है एंड 1648 में उसकी डेथ हुई है। पहला पॉइंट, ये प्राइस्ट था। इसके मजहब की बात की जा रही है कि प्राइस्ट था, पादरी कह सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पेंसेरियन पोस्टल्स एंड एलेग्रीज इसने लिखी थी। इसका स्टाइल था लिखने का। इसकी जो मेजर पोएम है, एम्बिशियस पोएम, बामकसद पोएम है, और उस पोएम का नाम है द पर्पल आइलैंड। और ये जो पोएम है फॉलोज द पैटर्न ऑफ फेरी क्वीन। फेरी क्वीन वो पोएम थी जो स्पेंसर ने लिखी थी, कि इसका वही पैटर्न है पर्पल आइलैंड का, जो कि पैटर्न हुआ करता था स्पेंसर की फेरी क्वीन पोएम का। अब इस पोएम द पर्पल आइलैंड के थीम को आपने रीड आउट कर लेना है, पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास सेकंड पोइट, गाइल्स फ्लेचर। 1583 में गाइल्स फ्लेचर की डेट ऑफ बर्थ है एंड 1623 गाइल्स फ्लेचर की डेथ डेट ऑफ डेथ है। ये प्राइस्ट था, पाइंस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर बोथ वर ब्रदर्स। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों भाई थे। ये भी प्राइस्ट था। इसका जो स्टाइल था या मेथडोलॉजी थी पोएम्स को लिखने की, लिरिकल एंड मिथिकल फॉर्म में लिखा किया करता था पोएम्स को। फिर ये बताया जा रहा है क्राइस्ट विक्टोरिया इसकी इम्पॉर्टेंट काम है, वर्क है, जिसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। इसके अलावा ट्रम्प इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ 1610 में इसने लिखी थी, ये पोइम भी इसकी इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। आज के हमारे टॉपिक में सिर्फ हमने स्पेंसेरियंस के दो जो भाई थे, पोइट्स थे, फ्लेचर ब्रदर्स, पाइंस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर, उनको हमने गो थ्रू किया है। नेक्स्ट टॉपिक में स्पेंसेरियंस हमारे जितने भी रह जाएंगे, ये स्कूल ऑफ स्पेंसर के जो पोइट्स थे वो रह गए हैं, उन तमाम को हम सम अप करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।